हे एवरीवन, एक और नए वीडियो में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर के रिजल्ट के ऊपर कि आपका फाइनली रिजल्ट कब तक आएगा। देन उसके बाद में अब की बार कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो होने वाला है, तो क्या सिनेरियो होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे, और आपको कैसे काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करना है और किस बेसिस पे कॉलेज सेलेक्ट करना है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सभी अपडेट दिए जाएंगे। लाइक जो भी मैं उसका वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिलेगा। अब देखते हैं कि क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है इस ईयर, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर 122,000 जो भी एस्पिरेंट्स था उस एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था, और अब की बार ओनली 61,000। सेकेंड थिंग कि अब की बार IRI का मैंने आपको नोटिस बताया हुआ, IRI में आपका 180 सीट्स एग्रीकल्चर के लिए, BTEC एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कम्युनिटी साइंस, इन सब के लिए सीट्स पड़ा है। देन थर्ड थिंग कि आपका जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी में 15% या 20%, तो भाई इस बार कट ऑफ कम जाने का चांसेस है, ये अनएक्सपेक्टेड होने वाला, क्योंकि हमने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 1 लाख से कम स्टूडेंट ICR का एग्जाम देंगे। सो आप जितने भी स्टूडेंट हो, जिनका भी मैंने आपको एक पर्टिकुलर परसेंटाइल बताया था पिछली वीडियोज़ में, उतने तक है तो आप ज़रूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, और क्योंकि अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तभी है आपके कुछ चांसेस बनेंगे और अच्छे से आप चॉइस फिलिंग करोगे तब। सो मेरा यही आपसे है कि आप आपकी बार काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, थोड़ा सा पैसों के लिए ना देखें कि आपका काउंसलिंग में जो फी लगेगा कि वो पैसा वेस्ट होगा, बट आपके मे बी चांसेस बन सकते हैं इस ईयर। चलो नेक्स्ट चीज इज ICR का रिजल्ट और काउंसलिंग। सबसे पहले ICR के रिजल्ट से रिलेटेड मेरे को जो भी मैसेज कर रहा है भाई कब तक आएगा, देखो मैं एक अथॉरिटी तो नहीं कि आपको मैं कन्फर्म बता दूँ, मैंने लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपको बताया 21st of October के बाद आना था, उससे पहले तो आया नहीं, बट अभी कुछ चांसेस है कि अभी आपका दिवाली का फेस्टिवल था कल, वो भी निकला, तो अभी आज में या कल में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, विद इन ए फ्यू डेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आपको कहाँ देखना है, इधर वेबसाइट दिखी हुई है ICRExam.net, इस वेबसाइट पर आपको अपना रिजल्ट देखना है, इसी को रेगुलरली विजिट करना। और एक चीज़ ध्यान रखना है, देखिए इसमें ICR और एग्ज़ाम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है, अगर आप स्पेस दोगे तो दिक्कत होगा। सो अब चलो आगे देखते हैं आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, पहला क्वेश्चन आपका, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट यही है इस वीडियो का कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है। और देखो काउंसलिंग में सिंपली होता क्या है, काउंसलिंग में आपका 4 स्टेप वाला प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप होता है आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, सेकेंड स्टेप में चॉइस फिलिंग, तीसरा आपका सीट अलॉटमेंट, और देन फोर्थ आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, और चारों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेकेंड स्टेप, जिसको बोलते हैं चॉइस फिलिंग। अब इसमें पहला क्वेश्चन आपका आता है कि भैया कितना कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन आता है कि भैया मेरे को एग्रीकल्चर भी चाहिए, हॉर्टिकल्चर क्या हम सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, या अपन एक ही कॉलेज की पर्टिकुलर ब्रांचेज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए, उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो भाई इसमें जितना भी कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो, जैसे कि PCB वाला है वो 4 कोर्सेज के लिए, जो PCA वाला जिसमें एग्रीकल्चर इंक्लूड है जिस भी सब्जेक्ट ग्रुप में, वो 4 कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में आपका PCB और PCM वाला, आपको पता है कि PCM वाला है आपको 3 कोर्सेज के लिए और एक्स्ट्रा इंक्लूडेड होता है। तो इसमें आप जितने भी कॉलेजेस आपको दिए जाएंगे और उन सबको आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक इसमें आता है ऐड न्यू का ऑप्शन, तो जैसे आप जब चॉइस फिलिंग करोगे पोर्टल पे जाके, तो आपको ऐड न्यू करके आप नए नए कॉलेजेस को अपने सेलेक्ट करके और लॉक करते जाओगे। देन उसके बाद में होता है अप एंड डाउन, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको आप अप और डाउन कर सकते हो। अब आता है किस बेसिस पर आपको चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि रेंडमली आप सेलेक्ट तो नहीं कर दोगे एग्रीकल्चर का ये कॉलेज, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, नहीं, आपको देखना पड़ेगा फीस स्ट्रक्चर, देखना पड़ेगा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आइडिया लेना पड़ेगा कि आपका मार्क्स उस रैंक तक, आपका रैंक उस रेंज तक आ रहा है, तो उस कॉलेज को आप एक बार एक्सप्लोर कीजिए गूगल के थ्रू, आप कोई भी रिलेटिव्स है उसके थ्रू कि वो कॉलेज कैसा है, उसका पढ़ाई का एनवायरनमेंट है या नहीं, उसका प्लेसमेंट या कुछ मतलब फैकल्टी कैसा है उसका। देन थर्ड थिंग लास्ट ईयर का उसका कट ऑफ रैंक देखिए, क्या क्लोजिंग रैंक था जिससे आप उसको अपने प्रेफरेंस में रखें। देन उसका कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स क्यों मैटर करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें आपका SC और ST के लिए पर्टिकुलर रिजर्वेशन होता है, तो SC ST में जिसका कैटेगरी वाइज सीट ज़्यादा है अगर उसको अपने प्रेफरेंस में देगा तो उसको ज़्यादा चांसेज होंगे कॉलेज अलॉट होने के। देन रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो मैंने अभी आपको बताया, रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है EWS OBC वालों के लिए ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्वेशन है, तो वो उनको अपना प्रायोरिटी देना चाहिए। देन सीट मैट्रिक्स, और आपको सीट मैट्रिक्स भी लास्ट में देखना है कि
कि टोटल जनरल कैटेगरी में भी कितना सीट मैट्रिक्स है जिसमें हम अप्लाई कर सकें और हमारे जिससे कि कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस हो। सो ये तो रहा था कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है और किस बेसिस पे आपको करना है, तो आपको ये सभी चीज़ें देखनी है कॉलेज में चॉइस फिलिंग करते टाइम, काउंसलिंग करते टाइम कि कौन सा फीस स्ट्रक्चर कैसा है क्या नहीं है, क्योंकि इन सबको बेसिस पे आप देखोगे तो ऐसा नहीं, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट होता है वो अफोर्डेबल लाइक कोई ज़्यादा, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से होते तो वो उतना फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज है। और दूसरा चीज़, ICR के अंदर जितने भी कॉलेजेस अलॉट होते हैं वो सभी गवर्नमेंट्स होते हैं, कोई भी प्राइवेट्स नहीं होते हैं। सो आप ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करें जिसका फीस स्ट्रक्चर भी कम हो और गवर्नमेंट हो और फीस स्ट्रक्चर भी कम हो, जिससे कि आपका कॉस्ट कम आए आपका पूरा होल डिग्री करने में। सो चलो, और हाँ, जिनको भी अगर काउंसलिंग का कोई आइडिया नहीं है और उनको कुछ पता नहीं, वैसे मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस बता रखा है आपको कि कैसे आपको करना है, और मैंने कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो बनाया, कॉलेजेस के ऊपर वीडियो बनाया, और फिर भी बहुत लोगों को दिक्कत होता है जिनको कुछ आइडिया नहीं है, तो हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वो हमारे थ्रू भी काउंसलिंग करा सकते हो। अब इस काउंसलिंग में आपको मिलने वाला क्या है, इसमें आपका कंप्लीट काउंसलिंग हमारे द्वारा करके दिया जाएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं साइबर कैफे पे जाने का ज़रूरत पड़ेगा और इसमें और कहीं भी आपको जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आप कभी भी कॉल कर सकते हो और आप यहाँ व्हाट्सअप करके भी हमसे बात कर सकते हो। आपको कॉलेजेस के बारे में आइडिया दिया जाएगा और आपका जो भी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग होता है वो हमारे द्वारा फिल करके दिया जाएगा। सो इसका जो फी है वो है 499 रुपीज़, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, सो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको जो मैंने बताया वीडियो में समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो में इतना ही, सो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एटिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।